नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 में पाठ 6 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पाठ 5 तक कंप्लीट करवा दिया था, तो आशा करती हूँ आपने नोट में और साध्य पोथी में 5-5 तक कंप्लीट कर लिया होगा। आज का हमारा पाठ है 6 और पाठ 6 हमारा पेज नंबर 26 पे है। ये पेज नंबर 26 है, उस पे हमारा पाठ नंबर 6 है जिसका नाम है समुद्र खारा क्यों है। मतलब आपको इसमें कहानी दी गई है, दो भाई होते हैं उनके बीच की ये कहानी है। तो आज ये कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी घर पे ये कहानी को एक बार रिपीट कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पाठ 6 है जिनके लेखक है हंसराज रहबर, जिनका जन्म हुआ था 1914 में। इनके लेखक है हंसराज रहबंजन और जिनका जन्म 1914 में हुआ था। आगे लिखा है, विश्व के प्रत्येक भाषा में लोक कथाएं प्रचलित होती है जो देश की सांस्कृतिक परंपरा को सहवाक होती है। ये लोक विश्वास मान्यता को रूपांतरित करते हैं, परंतु लोक कथा जापान की है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, उसके पीछे की लोक विश्वास का इस कथा का विषय है। यहाँ पे आपको बताया गया कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया और उससे एक कहानी जुड़ी हुई है, वो आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगी। तो चलो बच्चों, मैं आप पाठ पढ़ना स्टार्ट करिए, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बहुत दिनों की बात है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था मगर छोटा भाई कंगाल था। एक बार जब लोग 9 वर्ष की खुशियां मना रहे थे, तब छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह बड़े भाई के पास गया और उसने सबसे थोड़ा सा चावल उधार मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। तब वह बड़े भाई के घर से उदास और मिखिन मन लौट आया था। तब उसे एक बुढ़ा रास्ते में मिला। बुढ़े के सर पर लकड़ियों का एक भारी गड्ढा था। बुढ़े ने उसे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या मुसीबत, किस मुसीबत में पड़े हो। बच्चों आपको बता दूं, यहाँ पे दो भाइयों की कहानी है। दो भाई में से जो बड़ा वाला भाई था, वो उसके पास बहुत पैसे रुपए थे, वो बहुत ही धनवान था। लेकिन उसी का विरुद्ध जो छोटा भाई था, वो बहुत ही गरीब था। जब वो गरीब था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जब दिवाली आई तो उसने सब चारों तरफ सब लोग खुशियां मना रहे थे। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो बड़े भाई के पास से थोड़ा सा चावल मांग के लाता हूँ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया थोड़ा सा चावल उधार मांगने के लिए कि आप मुझे अभी दे दो और थोड़े दिन के बाद जब मेरे पास चावल आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बड़े भाई ने उसे इनकार कर दिया। तो छोटे भाई को उदास होकर और रुआ मन करके, मतलब उदास होकर अपना चेहरा गिरा कर वह छोटा भाई बड़े भाई के घर से लौट आया। जब छोटा भाई वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुढ़ा मिला। बुढ़े के सर पे बहुत सारी लकड़ियों का भार था। तो बुढ़े ने छोटे भाई से पूछा, भाई तुम क्यों उदास हो, क्या तुम पर कोई मुसीबत पड़ी है। छोटे भाई ने अपने दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बुढ़े ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, मगर तुम लकड़ियां का यह गड्ढा मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिसके सहायता से तुम मालामाल हो जाओगे। जब वो बुढ़ा ने छोटे भाई को पूछा तो छोटे भाई ने रोकर दुखी भरी अपनी कहानी उस बुढ़े को बता दी। बुढ़े ने उसे सांत्वना दी और कहा कि देखो भाई, तुम धैर्य रखो, समय बदलता रहता है। आज तुम्हारा भाई अमीर है, कल शायद तुम भी हो जाओ। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ये जो लकड़ी का गड्ढा है वो मेरे घर तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम मालामाल हो जाओगे। तो छोटे भाई ने क्या किया, छोटे भाई ने तुरंत लकड़ियों का गड्ढा बुढ़े से लिया और वह पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बुढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ, वहाँ एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं।
मालपुआ उनका मन भावन खाना है कि वह किसी मूल्य पर उसे प्राप्त करना चाहेंगे। तुम उसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगना, लेकिन कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दो। जब तुम चक्की लेकर जाओगे तो उसका विशेष गुणों में तुम्हें बताऊंगा। जब बुड्ढे ने कहा कि तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा, तो छोटे भाई ने क्या किया, बुड्ढे से तुरंत लकड़ी का गट्ठा ले लिया और बुड्ढे के पीछे पीछे चलने लगा। जब बुड्ढा पीछे आगे आगे और छोटा भाई पीछे पीछे पहुंचा, तो बुड्ढे के घर पर जब पहुंचा तो बुड्ढे ने क्या किया, उसे एक मालपुआ दिया और देते हुए क्या कहा छोटे भाई को कि इस मालपुआ को लेके जो मंदिर के पीछे जंगल है ना, उसके पीछे चले जाओ। वहां पर एक आपको गुफा दिखाई देगी। जब गुफा दिखाई देगी तो तुम वहां रुक जाना, तुम्हें वहां पे बहुत सारे बोने दिखाई देंगे। ये जो मालपुआ होता है बच्चों, वो बोनों का मनपसंद खाना होता है। वो मालपुआ को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब वो छोटा भाई के हाथ में मालपुआ देखेंगे, तुम उनको जब मालपुआ दिखाओगे तो वह प्राप्त करने के लिए तुमसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। जब वह तुमसे वो प्राप्त करना चाहेंगे, उसके बदले में वह तुम्हें कुछ भी दे सकते। लेकिन छोटे भाई को हमेशा ये याद रखना था कि उस बोनों से धन दौलत बिल्कुल नहीं मांगना था, बल्कि कहना था छोटे भाई को कि मुझे एक पत्थर की चक्की दो। जब वह तो मालपुआ के बदले में तुम्हें वो पत्थर की चक्की मिल जाएगी, और उस पत्थर की चक्की की क्या विशेषता है, उससे का क्या उपयोग है, उसका क्या करना है, मैं उसकी विशेषता यानी वो बुढ़ा छोटे भाई को बताएगा। छोटे भाई ने मंदिर की ओर चलना चल पड़ा और थोड़ी देर में जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में थोड़ी ही दूर में एक गुफा है। गुफा से बहुत से बोने निकल रहे हैं और फिर उसे में चले जाते हैं। इस समय में वह पेड़ की एवं बड़ी टहनी को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके लिए वह काम बहुत ही कठिन था। छोटे भाई ने भी वह मालपुआ जो था वह लेकर मंदिर की तरफ यानी जिस तरफ बुड्ढे ने कहा था उस तरह वह करना शुरू कर दिया। तो छोटे भाई ने वह मालपुआ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया ना तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में बहुत सारे बोने थे, यानी बोने छोटे छोटे होते हैं, वह कभी निकल रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे और अंदर बाहर निकलने का कार्य कर रहे थे। उस समय उनके हाथों में बोनों के हाथ में क्या था, एक बड़ी सी टहनी थी, यानी पेड़ की कोई टहनी थी, उसको गुफा के अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। और टहनी जो पेड़ की टहनी होती है वह बहुत बड़ी थी, वह काम उनके लिए बहुत ही कठिन था। छोटे भाई ने उनके पास जाकर पूछा, लाओ इस टहनी को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहनी को कंधे पर उठाकर वह गुफा के निकट पहुंचा तो उसके कान में एक महीन आवाज पड़ी, मुझे बचाओ। छोटा भाई घबरा कर इधर उधर देखा, उसके पांव के नीचे एक बोना पीसा चला था। छोटे भाई ने उस बोने को झटप कर उठा लिया और असल में वह बोनों का राजकुमार था। जब छोटे भाई ने देखा कि ये सारे बोने वो टहनी को ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न क्या है, बहुत मुश्किल है, वो ऐसा नहीं कर पाते, तो छोटे भाई ने वो बोनों के पास जाकर बोला कि लाओ यह टहनी मैं ले चलता हूँ। और छोटे भाई ने ऐसा कहकर वह टहनी को अपने कंधे पे उठाकर और गुफा के पास पहुंचा। जब गुफा के पास वो छोटा भाई पहुंचा तो उसके कान में एक छोटी सी धीरे से आवाज आई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कैसी आवाज आई बच्चों, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो छोटा भाई घबरा गया, इधर उधर देखने लगा, और जब उसने इधर उधर देखा तो उसके पांव के नीचे एक बोना था, वह दबा हुआ था। छोटे भाई ने फटाक से अपना पांव उठाया और उस बोने को बचा लिया। जब वो बोने को उसने उठाया तो असली में कौन था, असली में वह बोने का राजकुमार था। बोने राजकुमार ने छोटे भाई को मलपुआ देख लिया, वह बोला, भाई यह मलपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, इसके एवज में तुमको मैं बहुत से हीरे जेवरात दूंगा। छोटे भाई को बुड्ढे की बात याद आ गई, उसने मालपुआ बोनो राजकुमार को दे दिया और उसके बदले में पत्थर की चक्की मांग ली।
जब राजकुमार, जो छोटा भाई ने राजकुमार को बचाया, तो राजकुमार जब बचा के एक साइड रख रहा था, तो जो बोने का राजकुमार था ना, उसने छोटे भाई की तरफ वह के पास जो मालपुआ था वह राजकुमार ने देख लिया। अब राजकुमार ने जब वो मालपुआ देख लिया तो छोटे भाई से कहने लगा कि यह जो मालपुआ है आप मुझे देने की कृपा करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है। राजा राजकुमार बोने का राजकुमार ने बोला कि आप ये मालपुआ मुझे दे दो, और इसके बदले में आप जितना हीरे जवाहरात जो भी आप कुछ मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब छोटे भाई को है ना उस बुड्ढे की बात याद आ गई कि छोटे भाई ने क्या, उस बुड्ढे ने छोटे भाई को क्या कहा था, और छोटे भाई ने वह मलपुआ राजकुमार बोने के राजकुमार को दे दिया, लेकिन उसके बदले में उसने क्या मांगा बच्चों, पत्थर की चक्की मांग ली। बोनो के राजा ने अपने बेटे की खुशी की खातिर चक्की देना स्वीकार किया। तब छोटे भाई ने चक्की लेकर चलने लगा, तब राजा बोला देखो इसे साधारण चक्की मत समझना, ये हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु है। इस चक्की को दाएं और घुमाने से बहुत सी चीजें मांगोगे मिल जाएगी, और जब यह तुम फिर बाईं और घुमाओगे तो वह चीज निकलती रह जाएगी। जब भाई के पास, छोटे भाई के पास वह चक्की आ गई तो वह लेकर चलने लगा था, और राजकुमार के जो बोने का जो राजकुमार था वह, उसका जो राजा था वह अपने बच्चे की खुशी के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया था। और जैसे ही चक्की मिली तब वहाँ का छोटा भाई वहाँ से चक्की लेकर निकलने लगा, तो जो बोने का राजा था ना उसने कहा देखो भाई यह चक्की कोई साधारण चक्की इसे मत समझना, हमारे राज्य की सबसे कीमती चक्की है। जब हम इसे दाईं ओर घुमाएंगे तो जो चीज मांगेंगे वो मिलेगा, और जब इसे आप बाईं ओर नहीं घुमाओगे तो वह चीज निकलती रहेगी, और जब जब मांगोगे जो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से छोटा भाई वो चक्की लेके अपने घर पे पहुंचा। अब छोटे भाई ने पत्थर की चक्की लेकर घर आया, उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसी समय पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर अत्यंत निराश हुई, लेकिन पति ने आते ही कहा चलो जल्दी से भीतर आकर एक कपड़ा बिछा दो। दिवाली का टाइम था ना बच्चों, इसके लिए जो छोटे भाई की पत्नी थी, छोटे भाई के अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, वो उस घर में कुछ खाने को नहीं था, इसीलिए वो भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब छोटा भाई आया और उसके हाथ में उसने पत्थर की चक्की देखी तो जो उसकी पत्नी थी वो निराश हो गई कि यह क्या लेके आ गए हैं, आज ना कुछ खाने का लेके आना चाहिए तो ये कैसा पत्थर की चक्की लेके आए हैं। लेकिन जब छोटा भाई घर में घुसा और कहा चलो चलो जल्दी से एक बड़ा सा कपड़ा, एक कपड़ा बिछा दो फिर हम देखते क्या होता है। पत्नी ने कमरे के भीतर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया, छोटे भाई ने चक्की को उसके ऊपर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाते हुए कहा चावल निकल। कहते ही कि देर थी कि चावल का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछली मिल गए। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीजें प्राप्त कर ली। इस तरह से छोटे भाई ने जब अपनी पत्नी को कहा कि एक कपड़ा फटाफट बिछा दो, तो पत्नी ने भी कमरे बंद करके एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। तो छोटे भाई ने क्या किया, जो उसे पत्थर की चक्की मिली थी ना बच्चों, वो पत्थर की चक्की उस कपड़े के ऊपर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाने लगा। जब तुरंत दाईं ओर उसने घुमाया और घुमाते हुए उसने क्या कहा चावल निकालो, तो बस कहने की ही देर थी कि चावल का बहुत सारा ढेर लग गया। जब चावल मिल गया तो छोटे भाई ने उसे कहा मछली मांगी, जो चक्की थी उसे घुमाया और कहा मछली मांगी तो मछली भी मिल गई। इस तरह से छोटे भाई ने एक एक करके जो उसे आवश्यकता की चीजें थी सब चीजें उसने प्राप्त कर ली। छोटे भाई ने सोचा कि अब तो मैं धनवान बन गया हूँ, मुझे एक शानदार मकान में रहना चाहिए।
उसने चक्की की दाई ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया सामान से सजावा दिया। अब वह ठाट से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसी और मित्र की दावत दी और नए साल का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस तरह से बच्चों छोटे भाई ने धीरे धीरे जो जो चीजें आवश्यकता होती थी उस तरह से मांगने लगा और इस तरह से वो धनवान बन गया। जब उसके पास सारी चीजें आ गई तो उसने सोचा, अब मेरे पास सारी चीजें आ गई, मुझे एक शानदार मकान भी मांग लेना चाहिए। तो उसने एक शानदार मकान मांगा, फिर चक्की को दाई और घुमाया और मकान एकदम से सुंदर मकान तैयार हो गया। फिर उसने क्या किया, मकान को तैयार तो हो गया महल जैसा और फिर उसने सामान भी मंगाए जिससे वह मकान अच्छे से तैयार हो जाए और देखने में अच्छा लगे। अब वह ठाट और बाट से रहने लगा और उसने एक दिन क्या किया, अपने पड़ोसी और मित्रों को दावत पे बुलाया कि आप हमारे इधर खाने के लिए आओ। और फिर जब सबको बुलाया तो उसने नया साल भी उसने धूमधाम से मनाया। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो पाठ 6 है आज मैंने पेज नंबर 26 और 27 आपको समझाया है। तो आपको क्या करना है, ये पाठ फिर से एक बार जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक आपको पढ़ लेना है और स्वाध्याय पोथी में पाठ 6 भरना शुरू कर देना है और नोट में भी आपको जितने प्रश्न उत्तर अभ्यास आएंगे वो कर लेना है। इतना ऐसा शुरू करने से जब तक ये पाठ खत्म होगा तब तक आपका नोट और स्वाध्याय पोथी में भी पाठ 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आपका घर काम यही है कि पाठ 6 स्वाध्याय पोथी में भरना है।